हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं बालाजी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 21 मई के दिन मार्केट किस साइड मोमेंटम कर सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रोज की तरह ग्लोबल इवेंट देख लेते हैं। ग्लोबल इवेंट में अगले वीक में हमारे इवेंट है, फेड की स्पीच है 20 मई को, 21 मई को भी फेड की स्पीच दिख रही है और कनाडा का इन्फ्लेशन रेट भी दिख रहा है। तो 21 और 20 मई को अपने फेड की दो इम्पोर्टेंट मीटिंग दिख रहे हैं, दो दो पिच है, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर पड़ सकता है। तो हम पहले ग्लोबल मार्केट का हाल देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में इंडियन मार्केट थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। अपना यूएस मार्केट थोड़ा सा बुलिश और थोड़ा सा नेगेटिव भी दिख रहा है, यानी न्यूट्रल मान सकते हो, क्योंकि डीजीआई प्लस में है और नैसडैक रेड में है। और यूरोपियन मार्केट थोड़ा बेरिश दिख रहा है, यूरोपियन मार्केट भी बेरिश है और एशियन मार्केट बुलिश है। तो एशियन मार्केट बुलिश है, यूरोपियन मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है, यूएस मार्केट न्यूट्रल है। तो तीनों मार्केट के हालचाल हम देख लिए हैं। तो चार्ट देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी और डीजीआई और नैसडैक का। तो डीजीआई हमारा इम्पोर्टेंट इंडेक्स है ग्लोबल मार्केट का। डीजीआई जैसे ऑल टाइम हाई ब्रेक करके सस्टेन किया है और फुल बैक काफी अच्छा किया है। जैसे 1 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ 9 और 15 और 20 EMA है। तो इसका अच्छा सा सपोर्ट देके ऊपर अच्छी सी ग्रीन कैंडल क्लोज देके ऊपर क्लोज दिया है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है ग्लोबल मार्केट में, तो अच्छा सा बुलिश सेंटिमेंट दिख रहा है। लेकिन जो इवेंट है फेड की जो पिच है उसमें कुछ ऊपर नीचे होगा तो मार्केट में उसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो ग्लोबल मार्केट तो पूरा अच्छा खासा दिख रहा है, क्योंकि प्राइस एक्शन भी काफी अच्छा दिख रहा है अपना डीजीआई का। तो गिफ्ट निफ्टी एक बार देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है, जैसे रुक रुक के गिर रहा था वैसे ही रुक रुक के ऊपर जा रहा है। तो हमारे मार्केट का भी वैसे ही रुक रुक के भाग रहा है ना ऊपर, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। तो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है गिफ्ट निफ्टी का 22,600। तो गिफ्ट निफ्टी देखने का रीजन है कि हमारा मार्केट भी गिफ्ट निफ्टी की तरह मूव करता है, यानी गिफ्ट निफ्टी अगर 50 पॉइंट प्लस में है तो हमारा मार्केट गैप ऊपर गैप डाउन गिफ्ट निफ्टी की वजह से होता है। तो गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट प्लस है तो हमारा भी मार्केट 50 पॉइंट गैप ऑफ ओपन होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी को इसीलिए देखते हैं हम। तो ऊपर रजिस्टेंस लेवल मल्टीपल दिख रहे हैं, 1, 2, 3 रजिस्टेंस लेवल है। 22,600 का एक लेवल है, 22,700 का लेवल है, उसके ऊपर डायरेक्ट 22,900 का लेवल आ जाएगा आराम से। तो गिफ्ट निफ्टी के अच्छे खासे लेवल है और पूरा ग्लोबल मार्केट पूरा पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है ग्लोबल मार्केट देख के। ओनली जो इवेंट है उस पे अगर इन्फ्लेशन रेट हाई या कम कर देते हैं यूएस के जो फेड वाले हैं, अगर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ओनली। अगर इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाएगा तो हमारा मार्केट भी क्रैश करेगा और यूएस का भी मार्केट क्रैश करेगा। और इन्फ्लेशन रेट अगर कम होगा तो हमारा मार्केट भी ऊपर जाएगा और यूएस मार्केट भी काफी अच्छा ऊपर जाएगा, यानी हमारे मार्केट और नाइट में गैप अप या गैप डाउन होने के चांसेस है। क्योंकि 20 तारीख को हमारा मार्केट क्लोज है और 21 तारीख को मार्केट ओपन होने वाला है, तो हमारा मार्केट गैप अप या गैप डाउन बड़ा होने के चांसेस है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया हो, जैसे पिछले हफ्ते पूरा मार्केट साइडवेज ही दिख रहा है, क्योंकि बहुत बढ़िया मोमेंटम नहीं दिख रहा है। 7 दिनों से मार्केट पूरा 700 पॉइंट के अंदर ही घुमा है, तो बड़ा मोमेंटम पिछले हफ्ते में तो नहीं आया है। लेकिन कैंडलस्टिक बड़ी दिख रही है, यहाँ एक कैंडलस्टिक अच्छी खासी बड़ी है, लेकिन बहुत ट्रैप किया है। जैसे इतना पुट के लिए आया और बाद में रिवर्स हो गया, इतना सेलिंग हुई बाद में रिवर्स हो गया, तो ट्रैप बहुत किया है। तो ये हफ्ता थोड़ा बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस है। तो जैसे 20 तारीख को मार्केट को छुट्टी है, 21 तारीख को मार्केट को स्टार्ट होने वाला है, तो यूएस का जो फेड का जो इवेंट है वो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे पड़ सकता है। तो ध्यान में रखना, बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, और बड़ा गैप अप होता है तो डायरेक्टली भी कॉल का प्लान मत करना, थोड़ा सा फुल बैक का वेट करना। और गैप डाउन ओपन हो रहा है तो थोड़ा सा भी फुल बैक का वेट करने के बाद ही पुट का प्लान कर सकते हो। अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है तो रोज की तरह मैं बोलता हूँ 15 और 20 EMA लगा लेना, और उसके ऊपर अगर मार्केट रहता है तो जैसे EMA के नजदीक आके अच्छे से स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनाता है। तो अगर आपको स्ट्रांग कैंडलस्टिक कैसी रहती है वो भी पता नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, तो देख लेना। तो ऐसे उस कैंडलस्टिक में से कौन सी भी अच्छी सी कैंडलस्टिक बनाता है तभी कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट इस उस EMA के नीचे रहेगा, यानी 15 और 20 EMA के नीचे रहेगा,
और ईएमए के नजदीक आके स्ट्रांग रेड कैंडलस्टिक बनाता है यानी बेरिश कैंडलस्टिक बनाता है तो सेलिंग का प्लान कर सकते हो। सिंपल मेथड में बता रहा हूँ मैं, कोई भी ऐसे नहीं बताएगा कि आईसी इस लेवल को ब्रेक होने के बाद यहाँ तक जा सकते हैं, ऐसे बोलता है, लेकिन आपको एंट्री और एग्जिट कहाँ कर सकते हो वही बता दे रहा हूँ। जैसे ईएमए के ऊपर रहेगा मार्केट तो कॉल की ज्यादा ट्रेड ढूंढना, ईएमए के नीचे रहेगा तो पुट की ज्यादा ट्रेड ढूंढना, और ईएमए के बीच में ऐसा घूम रहा है ओनली, जैसे ये ईएमए जा रहा है 915 ऐसा समझ लो, और ऐसा मार्केट एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे बन रहा है, तो उस टाइम अपन ट्रेड को अवॉइड कर दे रहा है कौन से भी टाइम फ्रेम में, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो मेरा ये है यहाँ से और एक ग्रीन कैंडल हो सकती है क्योंकि मार्केट नीचे से उठ रहा है ऊपर, यानी ये सपोर्ट लेवल स्ट्रांग है और ये 1 हफ्ता यहाँ बिताया है, तो यहाँ से अच्छा खासा बाइंग आने के चांसेस रह सकता है अगले वीक में। तो जैसे अगर इवेंट का कुछ ऊपर नीचे होगा यानी नेगेटिव खबर आएगी तो यहाँ से गिर भी सकता है मार्केट, लेकिन अभी तो प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने का दिख रहा है मुझे, तो कॉलिंग के साइड ज्यादा मोमेंटम मिल सकती है। तो ये लेवल में मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता हूँ, तो ज्वाइन हो सकते हो, तो निफ्टी 50 का एनालिसिस कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 ज्यादा बुलिश दिख रहा है यानी ज्यादा स्ट्रांग है निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की वजह से। बैंक निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन निफ्टी 50 काफी स्ट्रांग बना हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी जितना यहाँ ही बैठा है सपोर्ट लेके 700 ही पॉइंट में किया है, लेकिन निफ्टी 50 काफी अच्छा मूव किया है, लगभग 600 पॉइंट का मूव आया है निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 छोटा इंडेक्स है लेकिन मोमेंटम काफी बढ़ा दिया है। करेंट अपने रजिस्टर लेवल काफी ज्यादा दिख रहे हैं निफ्टी 50 में, जैसे 22,600 का लेवल है, 22,780 का लेवल है, ऑल टाइम हाई भी बचा हुआ है। निफ्टी 50 काफी अच्छा है लिया है लेकिन यहाँ से थोड़ा सा फुल बैक आने की चांसेस रह सकते हैं मेरे हिसाब से। तो कल के दिन भी यानी 21 मई के दिन भी मार्केट यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाएगा 22,560 से रजिस्टर लेके आ सकता है, पोजिशनली बैठना है तो कॉल के लिए बैठ सकते हो 21 मई के दिन, लेकिन न्यूज कोई नहीं होनी चाहिए तभी। और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो जैसे मैं बैंक निफ्टी का बताया था बड़ा गैप अप ओपन होता है थोड़ा सा फुल बैक का वेट करना, बड़ा गैप डाउन ओपन होता है थोड़ा सा फुल बैक का वेट करके आप एंट्री ले सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है जैसे ईएमए लगा लेना 50-20 ईएमए, ईएमए के ऊपर रहेगा कॉल के लिए, ईएमए के नीचे रहेगा पुट के लिए, सिंपल मेथड में बता चुका हूँ और हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ईएमए से अच्छा कोई भी आपको सही से इंडिकेट नहीं कर सकता, और ईएमए जितना सही से इंडिकेटर आपको दिखाता है, इंडिकेट दिखाता है कि यहाँ से ऊपर जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, उतना सही से कौन सा भी इंडिकेटर सही नहीं दिखाता है। तो इंडिकेटर ईएमए ज्यादा प्रेफर करो दूसरे इंडिकेटर से, और अपना आरएसआई भी देख सकते हो, आरएसआई अगर यहाँ टॉप पे रहता है और मार्केट भी थोड़ा सा यहाँ रजिस्टेंस लेवल पे होता है तो वहां से गिरने के चांसेस रहते हैं, तो आरएसआई अपना मिडिल लाइन पे नजदीक है तो यहाँ से थोड़ा बाइंग आ सकती है। तो अपने जो रजिस्टेंस लेवल है ये रजिस्टेंस लेवल ध्यान रखना, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी कर दूंगा ये सपोर्ट और रजिस्टेंस लेवल। और आपको तो पता ही है ईएमए का पावर क्या है, ईएमए काफी अच्छा मोमेंटम देता है और काफी अच्छा आपको डिसीजन लेने में मदद करता है। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्लान करना है 21 मई को मार्केट में। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।